Hey guys, what's up? So, सबसे पहले नीचे कमेंट में जाकर बताना कि ये न्यू सेटअप कैसा लग रहा है। सेटअप को चेंज करने का रीजन बस एक ही था कि मैंने सोचा कि अपने कंटेंट और अपने सेटअप को थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने लाइफ में अपग्रेड नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। इसीलिए मैंने स्टूडियो को थोड़ा अपग्रेड किया। सो इसीलिए कमेंट में बताना कि ये नया सेटअप आपको कैसा लगा, और इस सेटअप टूर का ब्लॉग बहुत जल्द मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे आएगी। सो इसीलिए अभी तक आपने मेरे ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे क्लिक कर आप मेरे ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो आज का हमारा टॉपिक है कलर कॉम्बिनेशन। कलर कॉम्बिनेशन मतलब किस कलर के कपड़े के साथ किस कलर का कपड़ा अच्छा लगता है। ये चीज अगर आप जान लो तो आप सिर्फ 4-5 कलर के कपड़ों को ही मिक्स एंड मैच करके 500 आउटफिट कर सकते हो। इसीलिए आज मैं आपको क्लोथिंग कलर कॉम्बिनेशन टिप्स बताऊंगा, जिसे फॉलो करके आप कलर कॉम्बिनेशन के मास्टर बन सकते हो। उससे पहले अगर आप लव डक की ये पहली वीडियो देख रहे हो तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए बनाता हूं जो भाई डार्क स्किन या सांवले हैं, क्योंकि इस चैनल का मोटिव है कि मेरे तरह जितने भी डार्क स्किन या सांवले लड़के हैं वो अपना बेस्ट वर्जन बन सके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दीपक शाह ऑफिशियल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो पहला कलर कॉम्बिनेशन टिप है, कभी भी अपर वेयर और बॉटम वेयर दोनों डिफरेंट कलर का मत पहनना। ये आपने बहुत से इन्फ्लुएंसर लोगों से सुना होगा कि अगर आप लाइट कलर के अपर वेयर पहनते हो तो आपका बॉटम वेयर डार्क कलर का होना चाहिए, बट ये रूल हम डार्क स्किन लड़कों के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि इससे पहली बात आपका बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा डिफरेंट दिखेगा, और दूसरी बात आपका फेस से ज्यादा आपका बॉडी हाइलाइटेड दिखेगा, और तीसरी चीज आपका हाइट भी शॉर्ट दिखेगा, क्योंकि दो डिफरेंट कलर के कपड़े पहनने से लोगों के नजरों में एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि आपका आउटफिट एक सिमेट्री लाइन में नहीं है, लगता है बीच से डिवाइड हो गया, जिससे आपका हाइट शॉर्ट दिखता है। इसलिए हम डार्क स्किन लड़कों के लिए ये रूल फॉलो होता है कि अगर आप जिस कलर का शर्ट या टी शर्ट पहनोगे उसी के फैमिली कलर का पैंट पहनना। मतलब सपोज अगर आप ब्लैक कलर का शर्ट पहनोगे तो नीचे व्हाइट कलर का पैंट मत पहनना, बल्कि ब्लैक कलर का ही फैमिली कलर पहनना, जैसे ग्रे या नेवी ब्लू कलर का पैंट। इन शॉर्ट आप जो भी कलर का शर्ट या टी शर्ट पहनोगे उसी के शेड का थोड़ा हल्का या थोड़ा डार्क कलर का पैंट पहनना। इससे आपके आउटफिट में एक सिमेट्री क्रिएट होगी, जिससे आप थोड़े टॉल दिखोगे, और प्लस आपका फेस और आपका आउटफिट इक्वली हाइलाइटेड होगा, जिससे आप एक अट्रैक्टिव बंदे दिखोगे। दूसरा टिप है पैंट के कलर से रिलेटेड। सो जो कलर का पैंट आपके पास सबसे पहले होना चाहिए वो है ब्लैक कलर का पैंट। सो अगर आप अपने पैंट का पूरा एक कलेक्शन बनाना चाहते हो तो आपके कलेक्शन में सबसे पहले ब्लैक कलर के पैंट होना चाहिए, जैसे ब्लैक जीन्स, ब्लैक चीनो, ब्लैक फॉर्मल पैंट, ब्लैक ट्रैक पैंट, ब्लैक जॉगर्स, क्योंकि ब्लैक कलर के पैंट्स बहुत ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं। आप इसे किसी भी कलर के कपड़ों के साथ पहन सकते हो, जैसे आप ब्लैक पैंट्स के साथ नेवी ब्लू, ग्रे, ऑलिव ग्रीन, ब्लू, मरून और व्हाइट, इनमें से किसी भी कलर का शर्ट या टी शर्ट आप ब्लैक पैंट्स के साथ पहन सकते हो, और ये इतना वर्सेटाइल होता है कि आप इसके साथ ऑल ब्लैक लुक भी कर सकते हो। मतलब आप ब्लैक शर्ट या टी शर्ट के साथ ब्लैक पैंट्स भी पहन सकते हो। और एक चीज आप ध्यान रखना कि आप ब्लैक कलर के किसी भी पैंट्स में से अगर आप ब्लैक कलर का फॉर्मल पैंट पहनोगे, ब्लैक कलर छोड़ो, अगर आप किसी भी कलर का फॉर्मल पैंट पहनोगे तो उसके साथ टी शर्ट मत पहनना। फॉर्मल पैंट्स के साथ हमेशा शर्ट पहनना, और वो भी कैजुअल शर्ट नहीं, फॉर्मल शर्ट पहनना, क्योंकि फॉर्मल पैंट्स के साथ टी शर्ट एकदम अच्छा नहीं लगता, फॉर्मल पैंट्स के साथ सिर्फ फॉर्मल शर्ट ही अच्छा लगता है। सो ब्लैक कलर के बाद आपको दूसरा कलर का पैंट्स जो खरीदना चाहिए वो है नेवी ब्लू या ब्लू। देखो अगर आपका बजट कम है तो आपको सबसे पहले ब्लैक कलर्स के पैंट्स को खरीदना चाहिए, क्योंकि ब्लैक कलर्स के पैंट हर कलर के कपड़ों के साथ अच्छे लगते हैं। बट अगर आपका बजट थोड़ा ठीक ठाक है तो आपको ब्लैक कलर के पैंट्स के बाद नेवी ब्लू या ब्लू कलर के पैंट्स को खरीदना चाहिए, क्योंकि नेवी ब्लू और ब्लू कलर के पैंट्स भी बहुत ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं, बट ब्लैक से थोड़ा कम, क्योंकि ब्लैक कलर के पैंट्स के साथ ऑलमोस्ट सारे कलर के शर्ट एंड टी शर्ट अच्छे लगते हैं, बट नेवी ब्लू और ब्लू कलर के पैंट्स के साथ सिर्फ 4 कलर के शर्ट एंड टी शर्ट ही अच्छे लगते हैं। और एक चीज, आप चाहो तो नेवी ब्लू कलर में जीन्स, चीनो, फॉर्मल पैंट, ट्रैक पैंट, जॉगर कुछ भी ले सकते हो, बट ब्लू कलर में आप सिर्फ ब्लू कलर के जीन्स को ही लेना, क्योंकि ब्लू कलर के चीनो, फॉर्मल पैंट, जॉगर, ट्रैक पैंट ना ही दिखने में अच्छे लगते हैं और ना ही वर्सेटाइल होते हैं। सो इन दो कलर्स के पैंट्स के बाद आपको तीसरा कलर का पैंट्स जो खरीदना चाहिए वो है ग्रे कलर, ऑलिव ग्रीन कलर और मरून कलर के पैंट्स। इन तीनों कलर के पैंट्स को मैंने तीसरे नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि इन तीनों कलर के पैंट्स के साथ सिर्फ 3 कलर के शर्ट एंड टी शर्ट ही अच्छे लगते हैं, वो है ब्लैक कलर, व्हाइट कलर और नेवी ब्लू कलर के शर्ट और टी शर्ट। इसीलिए इन तीनों कलर के पैंट्स को मैंने तीसरे नंबर पर रखा है, क्योंकि ये तीनों पैंट दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं बट उतने ज्यादा वर्सेटाइल नहीं होते, और ग्रे कलर में आप चाहो तो ग्रे कलर का जीन्स, चीनो, फॉर्मल पैंट, ट्रैक पैंट, जॉगर इनमें से कुछ भी ले सकते हो, बट ऑलिव ग्रीन और मरून कलर में आप सिर्फ चीनो, फॉर्मल पैंट और जॉगर्स को ही लेना, क्योंकि ऑलिव ग्रीन और मरून कलर के जीन्स और ट्रैक पैंट उतने अच्छे नहीं लगते। सो ये तो हो गई पैंट्स के कलर की बात। अब हमारा तीसरा कलर कॉम्बिनेशन टिप है टी शर्ट और शर्ट के कलर से रिलेटेड, इन शॉर्ट अपर वेयर कलर के रिलेटेड। सो अगर आपका बजट बहुत ही कम है तो आपको सबसे पहले ब्लैक और व्हाइट कलर के शर्ट और टी शर्ट को खरीदना चाहिए, क्योंकि जो भी कलर का पैंट्स मैंने अभी आपको बताया है उन सभी कलर के पैंट्स के साथ ब्लैक और व्हाइट कलर के शर्ट और टी शर्ट अच्छे लगते हैं।
बट ध्यान रखना, अगर आप व्हाइट कलर का टी शर्ट या शर्ट पहनोगे तो उसके ऊपर कोई डार्क कलर का बटन खोलकर चेक शर्ट या डार्क कलर का जैकेट पहन लेना। डार्क कलर जैसे ब्लैक, नेवी ब्लू, ग्रे, मरून, ऑलिव ग्रीन, इनमें से किसी भी कलर का बटन खोलकर चेक शर्ट या जैकेट पहन लेना व्हाइट कलर के शर्ट या टी शर्ट के ऊपर से। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे और सिर्फ व्हाइट कलर का शर्ट या टी शर्ट पहनोगे तो इससे हमारा स्किन टोन हाईलाइटेड होता है, जिससे हमारा स्किन डल और ज्यादा डार्क दिखता है और हमारे फेस का ग्लो चमक थोड़ा कम दिखता है हमारे कपड़ों के चमक की वजह से। और इतनी गर्मी में अगर आप शर्ट के ऊपर कुछ लेयरिंग करोगे, कोई जैकेट वगैरह पहनोगे तो आपकी गर्मी से हालत खराब हो जाएगी। इसलिए गर्मी में हो सके तो सिर्फ व्हाइट कलर के टी शर्ट को ही प्रेफर करना, क्योंकि टी शर्ट के ऊपर लेयरिंग करने से उतनी गर्मी नहीं लगती। बट हाँ, ब्लैक कलर में आप चाहो तो कुछ भी अपर वेयर ले सकते हो। ब्लैक कलर का शर्ट, टी शर्ट, जैकेट, हुडी, स्वेटर, ब्लेजर कुछ भी ले सकते हो। सो ब्लैक और व्हाइट कलर के शर्ट और टी शर्ट के बाद आपको दूसरा कलर का शर्ट और टी शर्ट जो लेना चाहिए वो है नेवी ब्लू कलर के कपड़े, क्योंकि नेवी ब्लू कलर के शर्ट और टी शर्ट भी बहुत वर्सेटाइल होते हैं, बट ब्लैक कलर और व्हाइट कलर से थोड़ा कम। क्योंकि नेवी ब्लू कलर के शर्ट, टी शर्ट, जैकेट, स्वेटर, हुडी, ब्लेजर के साथ सिर्फ तीन कलर के पैंट्स ही अच्छे लगते हैं। सो इन दो कलर के बाद अब आपको तीसरा कलर का शर्ट और टी शर्ट जो लेना चाहिए वो है ग्रे कलर, ऑलिव ग्रीन कलर और मरून कलर के शर्ट और टी शर्ट। इन तीनों कलर के अपर वेयर को मैंने तीसरे नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि इन तीनों कलर के शर्ट और टी शर्ट सिर्फ दो कलर के पैंट्स के साथ ही अच्छे लगते हैं, वो है ब्लैक और नेवी ब्लू कलर के पैंट्स। सो ये तो हो गई कपड़ों के कलर्स की बात। अब हमारा चौथा कलर कॉम्बिनेशन टिप है शूज से रिलेटेड। तो जो कलर का शू आपके पास सबसे पहले होना चाहिए वो है व्हाइट कलर का शू, क्योंकि व्हाइट कलर के स्नीकर्स हर कलर के कपड़े, हर कलर के पैंट्स के साथ अच्छी लगती है। व्हाइट स्नीकर के बाद आपको दूसरा शू जो लेना चाहिए वो है ब्लैक चेल्सी बूट, क्योंकि इसे आप फॉर्मल आउटफिट्स के साथ भी पहन सकते हो और कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी पहन सकते हो। इसलिए अगर आपका बजट कम है तो सबसे पहले इन दो शूज को लेना। और एक चीज, आज मैंने आपको जो भी कलर के कपड़े और शूज के बारे में बताए हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको अपना वार्डरोब कलेक्शन बनाने के लिए ये सारी चीजें एक साथ खरीदनी पड़े। आप एक एक करके अपने वार्डरोब के कलेक्शन में इन सारे कलर्स के कपड़े को ऐड करना। जैसे आज आपने ब्लैक जींस खरीद लिया, दो हफ्ते बाद आपने नेवी ब्लू टी शर्ट खरीद लिया, फिर तीसरे या चौथे हफ्ते बाद आपने ग्रे कलर का चीनो खरीद लिया। इस तरह से धीरे धीरे सारे कपड़ों को अपने कलेक्शन में ऐड करना, क्योंकि कपड़ों का कलेक्शन एक दिन में नहीं बनता, अपने वार्डरोब को बनाने में टाइम लगता है। तो ये थे कपड़ों के कलर कॉम्बिनेशन टिप्स, जिसे फॉलो करके आप कलर कॉम्बिनेशन के मास्टर बन सकते हो और अपने लिए अपना वार्डरोब कलेक्शन भी बना सकते हो अट्रैक्टिव दिखते हुए। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप डार्क स्किन या सांवले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में घंटे को भी दबा देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दीपक शो ऑफिशियल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, जिससे कि हर डार्क स्किन या सांवले लड़कों की मदद हो सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए डार्क स्किन को अपनी कमजोरी नहीं, उसे अपना ताकत बनाओ।